सो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुचित शुक्ला आप सभी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही शानदार और बड़े एनर्जेटिक सेशन में जो कि आईएसपीसीएस बाय एग्जाम पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, ऐसा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। एक शानदार सी क्लास, बड़ी एनर्जेटिक, बड़ी ताबड़तोड़ सी क्लास जो कि इकोनॉमिक्स की सीरीज की क्लास है। हम आप सभी लोगों के बीच में एक बड़ा शानदार और एक हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एक अच्छी सी क्लास लेके आए हैं। आप सभी को पता है कि जो सीरीज हमारी जो चलाई जा रही है वो सीरीज है, ऐसे सीरीज जो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं या उनके पूछने के चांसेस हैं, उन सारे क्वेश्चंस का क्या आंसर होना चाहिए, उनका बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आप सब लोगों के बीच में कर रहा हूं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से हमें सोचना है, किस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर करना है, वो सारी बातें मैं आप सभी लोगों को पर डे सिखाता हूँ, समझाता हूँ। उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, अच्छे तरीके से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। ठीक है, सो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सभी लोग सेशन को खूब सारा शेयर और खूब सारा सपोर्ट करेंगे चैनल को। अब हम लोग वापस से एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पढ़ेंगे। देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज में आप सभी लोगों के बीच में करा रहा हूँ। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, हम हर एक टॉपिक को, इंडिविजुअल टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो, जो भी क्वेश्चंस में अगर कोई भी एक सिंगल टॉपिक भी आ जाता है उस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और फिर उसका आंसर करते हैं। तो टॉपिक के साथ साथ हमारा क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है। बहुत शानदार सेशन आप लोगों के साथ लगातार हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज को कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग चीजों को सीखेंगे, समझेंगे और फिर से आज के सेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को सीख के जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर पहले से। तो देखो, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास, देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला देखो आपके स्क्रीन के सामने है, बहुत ध्यान से समझना है। देखो, मैंने ये जो आपको कन्वर्जन मेथड है, मैंने कई बार आपको सिखाया हुआ है कन्वर्जन मेथड। तो कन्वर्जन मेथड जो है हमने सिखाया हुआ है, कई बार हमने आपको कन्वर्जन मेथड सिखाया हुआ है कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना होता है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करना होता है, फिर हमारे पास मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करना होता है। ये सारी बातें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, उसी पे बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है ना, बहुत ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है, क्या कि यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी माइनस विदेश से आए, या सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेश से आए, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस का मूल्यह्रास, या सकल घरेलू उत्पाद माइनस का मूल्यह्रास, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन है। तो एक बार सभी लोग मुझे बताएंगे, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन। तो एक बार जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। सभी लोग बताएं जल्दी से फास्ट। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनडीपी, है ना। तो एनडीपी स्टैंड फॉर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आया ना। तो देखो, जिसको भी अगर हमें निकालना है ना, तो देखो आपको किस तरीके से करना है क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन में दिया है ना, जो भी क्वेश्चन में दिया, जैसे अगर हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है एनडीपी निकालने के लिए, तो अगर हमें एनडीपी बोला हुआ निकालने के लिए, तो हम लोग सबसे पहले एनडीपी लिखेंगे। इसके बाद उसके, अगर हम बात करें उसके ऑपोजिट में जो भी चीजें दे रखी है, हम लोग यहां से आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे जीडीपी का कॉम्पोजिट दिया हुआ है, तो जीडीपी की अगर हम बात करें, तो जीडीपी को आप सभी को पता है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो डी और डी कॉमन है, पी और पी कॉमन है। ठीक है, तो ये देखो जी स्टैंड फॉर क्या है बताओ, आप सभी लोगों को बताना, जी स्टैंड फॉर ग्रॉस, और यहाँ पे एन स्टैंड फॉर क्या बताओ, नेट। मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, शायद आपको याद होगा, मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, वो आपको याद होगा कि ग्रॉस में 5 लेटर है, ठीक है, और ये नेट में हमारे पास कितने लेटर बताओ, 3। तो अगर हम लोग 1 2 3 4 5 में, अगर हम लोग ट्रिक के जरिए देखें, तो 1 2 3 4 5 में 5 से अगर 3 की तरफ जाएंगे, इसका मतलब क्या, हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या करेंगे, बोलो माइनस करेंगे, और ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बताया था, किसका डिफरेंस होता है बताओ जल्दी से, फास्ट, डेप्रिसिएशन, जिसको हम लोग हास्य बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या, अगर हम लोग जीडीपी में से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, किसको माइनस करेंगे बताओ, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा बताओ, एनडीपी मिल जाएगा। आपको मेरी बात सभी को समझ में आ रही है, सही है, सुनो। तो एक बार चलते हैं भाई, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कौन सा आंसर सही होगा। तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा, हमारे पास फोर्थ आंसर, मतलब क्या, जीडीपी में से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा बताओ, एनडीपी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। आप सभी लोग न्यूमेरिकली तरीके से आप लोग चीजों को समझेंगे, सीखेंगे और इसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की शुरुआत आप सभी के बीच में, हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हमारे पास, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है कितना। तो अगर हम लोग बात करें, देखो आप सभी को पता है कि रूरल एरिया के लिए अलग पॉवर्टी लाइन, और अगर हम लोग बात करें अर्बन एरिया के लिए अलग पॉवर्टी लाइन हमने मतलब निर्धारित किया गया। देखो अगर हम लोग बात करें इस पॉवर्टी लाइन की, है ना, तो सबसे पहले हम लोग पॉवर्टी लाइन की बात करेंगे। पॉवर्टी लाइन होता क्या है बेसिकली, जो जिसको हम गरीबी रेखा बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन का बड़ा साधारण सा मतलब अगर हम लोग देखें, तो ये एक छोटी सी बात आपको समझना है, ये बस एक वो लाइन होती है सिंपल, है ना।
ये एक लाइन होती है, हमने इस लाइन को दे दिया पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अब इस लाइन को अगर हमने मान के चलो, अगर हमने इस लाइन को अगर हमने पॉवर्टी लाइन दे दिया, तो भैया बात ये है कि अब हमने बोला कि इस लाइन से नीचे रहने वाले लोग, इस लाइन से नीचे रहने वाले लोग को हम लोग बोलेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो बोलेंगे क्या, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग, और इस लाइन से ऊपर रहने वाले जो लोग होंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है, अबव पॉवर्टी लाइन। मगर देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि जो चाहे हम ग्रामीण लेवल पे बात करें चाहे शहरी लेवल पे बात करें, तो ग्रामीण और शहर मतलब अर्बन और रूरल एरिया पे, अगर अर्बन और अगर हम लोग अगर रूरल एरिया पे बात करें, तो दोनों के बिहाफ पे उनके खर्चे और उनके इनकम दोनों अलग अलग होते हैं। आप साधारण तरीके से समझें, अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर में आपका खर्चा ज्यादा होगा, तो अगर शहर में अगर आपका खर्चा ज्यादा होगा तो आपकी इनकम भी ज्यादा होनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप किसी गांव में रहते हैं, अगर आप अभी अगर गांव में रह रहे होंगे तो आपका खर्चा कम होगा और किस तरीके से आपकी इनकम भी कम से कम चाहिए होगी। मगर यही अगर हम लोग बात करें जो पारिश्रमिक है, देखो हमें परिश्रम करने के लिए जो हम अगर बोले तो हमें कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। वही सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में हमें कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी काम को करने के लिए, है ना। तो देखो जो भी हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं उस फूड से हमें कुछ ना कुछ एक कैलोरी मिलती है ना। तो अब सिंपल सी बात, अगर हम लोग कैलोरीज की बात करें, बहुत ध्यान से समझना, अगर हम लोग कैलोरीज की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कौन से ग्रामीण एरिया में या ग्रामीण क्षेत्र को या अर्बन एरिया को, दोनों में से किसको कैलोरी ज्यादा मिलेगी, आप मुझे बताएं। तो सिंपल सी बात, देखो अगर मैं शहर की बात करूं, देखो मैं शहर में बिल्कुल एकदम खड़े होकर बिल्कुल चुपचाप पड़ा रहा हूं, मेरे क्या मेहनत लग रही है, कोई भी कुछ खास मेहनत नहीं लग रहा, इसका मतलब क्या, मेरा जो मैं यहाँ पे मैं मेंटल काम कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे मेंटल काम कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है मैं फिजिकली काम नहीं करूंगा। जो कोई इंसान फिजिकली काम नहीं करता उसको कम से कम कैलोरी की आवश्यकता होती है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, तो उसको कम से कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर उसको कम से कम कैलोरी की आवश्यकता होगी, बहुत ध्यान से समझना, अगर उसको कम से कम कैलोरी की अगर आवश्यकता होगी तो सिंपल सी बात है शहर में अगर हम बात करें, शहर में उसको कम से कम कैलोरी की आवश्यकता होगी, और ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा कि हर एक इंसान, हर एक परिवार, हर एक जो लोग हैं वहां पे जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वो सारे के सारे लोग जो है ना वो बहुत ही परिश्रम करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो ज्यादा फिजिकली वर्क करेगा, जो ज्यादा फिजिकल वर्क करेगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा, उसको ज्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको ज्यादा कैलोरी की जरूरत होगी, उसको ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको बात सभी को समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हमारे जो अगर हम बात करें गवर्नमेंट ने क्या किया होता कि एक पॉवर्टी गरीबी रेखा निर्धारित किया हुआ है, तो वो निर्धारित जो है हमारे पास ग्रामीण भारत के लिए, हमारे पास यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा है, सो ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार जो है वो कितना है, एक बात सभी लोग मुझे बताओ, फास्ट बताओ कितना आंसर आएगा, व्हाट इज द आंसर, कम ऑन फास्ट। सो यहाँ पे आंसर सभी लोग मुझे बताएंगे क्या आंसर होगा, बताओ जल्दी से फास्ट। तो मैं आपको बता दू यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे डिसाइड किया हो क्या 27 रुपए प्रतिदिन, है ना, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर जो पहला होगा मित्रों, ऑप्शन नंबर जो पहला 27 रुपए प्रतिदिन के आय पर, कि भैया अगर कोई एक व्यक्ति मिनिमम 27 रुपए अगर कमाता है, कहां पे बोलो, गांव में रह के, फिर से समझो, अगर कोई एक व्यक्ति गांव में रह के 27 रुपए अगर कमाता है तो वो बंदा गरीब नहीं है, वो बंदा गरीब नहीं है। तो ये 27 रुपए हमने बोल दिया क्या, ये हमारे पास पॉवर्टी लाइन हमने निर्धारित कर दिया पक्का। और अगर कोई व्यक्ति 27 से कम कमाता है तो वो हमारे पास बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से नीचे, अगर 27 से ज्यादा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अबव पॉवर्टी लाइन, मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, गरीबी रेखा से ऊपर है। तो ये जो 27 रुपए जो हमने एक मानक निर्धारित कर दिया, इसी मानक को हमने क्या बोल दिया, बोलो पॉवर्टी लाइन बोल दिया, बड़े सिंपल तरीके से हमने इस चीज को डिस्कस किया। तो आप सभी लोगों को बात समझ में आ गया, बोलो जल्दी से फास्ट आए ना। तो उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा पहला, दूसरा ऑप्शन जो है दूसरे के हमारे पास पहला आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए डिस्कस करते हैं हमारे पास अगला, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ, देखो क्या, भारत में राष्ट्रीय आय, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का पहला वैज्ञानिक प्रयास किसने, किस सॉरी प्रयास करने वाले व्यक्ति कौन से थे। सो यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का पहला वैज्ञानिक प्रयास करने वाले व्यक्ति कौन से थे, तो अगर हम बात करें सो प्रोफेसर वी के आर वी राव, ये आरसी देसाई, या हमारे पास शाह और खंबाटा, और हमारे पास फिंडले शिराज। तो हमारे पास ये भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग मुझे बताएंगे, एक बार सभी लोग मुझे बताओ जल्दी से फास्ट क्या आंसर होगा, तीसरे का आंसर बताओ, सभी लोग बताएं तीसरे का आंसर बताओ। तो देखो अगर हम बात करें द पर्सन हु मेड द फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट, है ना, द पर्सन हु मेड द फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू मेजर द नेशनल इनकम, अगर हम बात करें फर्स्ट साइंटिफिक, अगर हम बात करें अटेम्प्ट टू मेजर द नेशनल इनकम, तो हमारे पास क्या आंसर होगा बताओ जल्दी से, हमारे पास पहला आंसर होगा प्रोफेसर वी के आर वी राव। सो प्रोफेसर वी के आर वी राव ने सबसे पहली बार क्या किया था बताओ,
नेशनल इनकम को क्या किया था बोलो, मेजर किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही कंचन कुमारी, बहुत शानदार। शिव पूजन बी नहीं होगा भाई, ए आंसर सही आंसर होगा, ठीक है। तो कंचन कुमारी है ना, ए आंसर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही है ना। शमीर मलिक का भी ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। और हमारे पास एक कोई भदौरिया करके है, उनका भी ए आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो जिनका भी आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी तकलीफ लेने वाली बात नहीं है। चौथी बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घरेलू उत्पाद जिसको एनडीपी बोलते हैं की अवधारणा को बेहतर रूप से प्रस्तुत करता है। तो हमारे पास ये भी विकल्प दिया हुआ क्या, एनडीपी। तो अभी हमने ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी, क्योंकि देखो सकल घरेलू उत्पाद को क्या बोलते हैं, बताओ जीडीपी। मैंने आपको बताया था कि सकल घरेलू उत्पाद को क्या बोलते हैं, बताओ जीडीपी बोलते हैं। तो अगर हमने सकल घरेलू उत्पाद को अगर हमने जीडीपी बोला हुआ, तो जीडीपी से अगर हमें एनडीपी पे जाना है, तो हमें इनमें से कौन सा फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक बार आप लोग मुझे ये बताएं। अगर हमें जीडीपी से अगर हमें एनडीपी पे जाना है, तो हमें इनमें से ऐसे कौन से फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक बार आप सभी लोग मुझे बताएं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे अगर देखा जाए तो डीपी कॉन्स्टेंट है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए सिंपल हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या, सकल घरेलू उत्पाद माइनस का मूल्यह्रास कर देंगे, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद माइनस का क्या कर देंगे, बदलने से मूल्यह्रास। तो हमारे पास डी आंसर मतलब चौथा आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो फोर्थ आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो सौम्या, खुशी तिवारी, शिवपूजन छिवी ठाकुर, ज्योति साहू और शिवपूजन पांडे, समीर मलिक, सभी लोगों का आंसर सभी को समझ में आ गया कि क्या आंसर होगा, एक बार सभी लोग मुझे बताएं। यहां तक की सारी कहानी बिल्कुल क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, सही है। सुनो, अगर उम्मीद और आशा करता हूं आप लोगों को बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, जरा सभी को दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो यहां तक की सारी कहानी क्लियर है, फोर्थ क्लियर है आप सभी लोगों को। अब आइए हम लोग बात करते हैं, अगला चर्चा करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास, देखो पांचवा क्वेश्चन, देखो चौथा हो गया, पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा लिखा हुआ है कि ग्रामीण भाग, अच्छा पांचवा क्वेश्चन भी ये होगा ना, देखो छठा देखते हैं, देखो छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा अगर हम लोग बात करें, छठा क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या लिखा है, भारतीय बीमा विनियामक है ना, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या IRDAI, ठीक है, का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है, शिमला, कोलकाता या चंडीगढ़ या हैदराबाद। आप लोग मुझे बताएं, सभी लोग फास्ट बताओ, कमाल क्या आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी लोगों को बताना है कि IRDAI का जो ऑफिस है वो कहाँ हमारे पास स्थित है, सिक्स का आंसर बताएं सभी लोग फास्ट, कमाल। तो हम लोग अगर बताएं, सो IRDAI का जो ऑफिस है हमारे पास हैदराबाद में स्थित है, कहाँ पे बताओ जल्दी से फास्ट, हैदराबाद। तो ऑप्शन क्या होगा बताओ, सिक्स का हैदराबाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है कि हम लोग अगर देखो, ये क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहा है बार बार, ठीक है चलो। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ देखते हैं क्या, समस्त अर्थशास्त्र मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है। चलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग और क्या कहते हैं, एक बार सभी लोग मुझे बताओ, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम और किस नाम से जानते हैं, इस बात पे चर्चा करना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम और किस नाम से जानते हैं, एक बार सभी लोग मुझे बताओ, सभी लोग मुझे बताओ। आनंद यादव, खुशी और समीर मलिक, छवि ठाकुर, देवाशीष यादव, ज्योति साहू, शिवपूजन पांडे, सभी लोग मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि समस्त अर्थशास्त्र मतलब क्या, हम लोग बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, समस्त अर्थशास्त्र जो है वो क्या कहा जाता है, धन का सिद्धांत, ये राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, ये आय का सिद्धांत, ये मुद्रास्फीति का सिद्धांत है ना, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ इनकम थ्योरी, या हमारे पास थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। आठवें का आंसर बताओ, सभी लोग मुझे बताएंगे आठवें का आंसर, सभी लोग बताओ फास्ट आठवें का आंसर। देखो हमारे पास, देखो अगर मैं बताऊं, हालांकि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे पास सिलेबस में नहीं है, अगर हम लोग बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है उसको हम लोग प्राइस थ्योरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम सब लोग प्राइस थ्योरी बोलते हैं। बट अगर हम लोग बात करें यही पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग इनकम थ्योरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अगर मैं इसका पूरा नाम दूं तो इसका नाम होगा हमारे पास इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, जो कि इसका दूसरा नाम है, इस इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे समीर मलिक दूसरा आंसर बताया जा रहा है। अब भाई एक बार आप तो बता दो, अगर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स को हमने बोला इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, अब क्या आंसर होगा, अब बताओ फास्ट। अभी यहाँ पे देखो सभी लोग मुझे बताओ, अभी सब लोग बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, इसमें से कौन सा आंसर हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मित्रों हमारे पास जो आंसर होगा हमारे पास तीसरा, जो कि इनकम थ्योरी होगा, क्या आंसर होगा बताओ, इनकम थ्योरी या आय का सिद्धांत। तो अगर हम लोग बात करें जो समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग आय का सिद्धांत मतलब इनकम थ्योरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो समीर मलिक, छवि ठाकुर और हमारे पास जितने भी ऋतिक और कंचन कुमारी और जितने भी सब लोग लाइव है, देवाशीष यादव, जितने भी सब लोग लाइव हो, ये कहानी आपको समझ में आ गई, एक बार सभी लोग यस और नो और साथ के साथ थंबनेल का साइन देंगे, सभी लोग एक बार जल्दी से थंबनेल बताओ, जल्दी से थंबनेल करके बताएं कि आपको समझ में आ गई, बताओ फास्ट। आप सभी लोग मुझे बताएं
थंबनेल करें। एक बार सभी लोग मुझे बताओ, आप सभी को कहानी समझ में आ गई, जितने को भी अगर कहानी समझ में आ गई माइक्रो इकोनॉमिक्स को, हालांकि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं, और इसी का जो बड़ा भाई है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्या बोलेंगे? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, सेशन को शेयर करो, क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा सेशन को शेयर करोगे उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट तरीके से हम लोग चीजों को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मित्रों अभी आगे हमारे पास नौवां क्वेश्चन और भी बड़े बेहतरीन तरीके से, देखो क्या लिखा हुआ है। देखो नौवां क्वेश्चन देखते हैं, यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से कम है तो यह अपेक्षा की जाएगी कि, हमारे पास एक दो तीन चार, हमारे पास ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से इस चीज को पढ़े, समझें और सीखने की पूरी कोशिश करें। नाइन्थ का आंसर बताओ सभी लोग, फास्ट नाइन्थ का आप सब लोगों को आंसर बताओ। यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से, है ना, बेरोजगारी दर की प्राकृतिक दर से कम है, यहाँ पे क्वेश्चन में चीजें बिल्कुल छुपी हुई है, तो यह अपेक्षा की जाएगी कि महंगाई की दर में वृद्धि होगी, या मजदूरों की कमी होगी, या रोजगार की प्राकृतिक दर में कमी होगी, या वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी होगी। आप लोग मुझे जरूर बताएं तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे शिवम यादव का आंसर आ रहा है सर ए, नहीं वाई, वाई तो है ही नहीं भाई, अच्छा वाई मतलब यस, ठीक है। शिवम कुमार आ रहा है सर तीसरा, नहीं भाई कंचन कुमारी चौथा, नहीं चौथा आंसर नहीं है। ज्योति साहू का बिल्कुल सही आंसर है, ज्योति साहू का बिल्कुल सही आंसर है सर ए आंसर, बिल्कुल राइट आंसर होगा सर, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इस पे बिल्कुल चर्चा करते हैं, तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो यार क्या लिखा हुआ, इफ द एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट रेट इज लेस देन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे पास, जो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो कम है क्या, बोलो जल्दी से, हमारे पास नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इट वुड बी एक्सपेक्टेड दैट राइज इन इन्फ्लेशन, क्या होगा बताओ जल्दी से, राइज इन इन्फ्लेशन। इसको बहुत साधारण तरीके से समझना है इस क्वेश्चन का मतलब, यहाँ पे बोला हुआ क्या, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होगा इज लेस देन जो नेचुरल, देखो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखो क्या होता है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है क्या कि भैया, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होगा कि भैया जो प्राकृतिक बेरोजगारी जिसको बोलते हैं, प्राकृतिक बेरोजगारी मतलब क्या कि हर एक, अगर हम लोग बात करें हर एक अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलता है, चाहे कोई भी, चाहे कितना भी मतलब विकासशील देश हो, कितना भी डेवलप्ड देश हो, वहां पे आपको इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलेगी। बात आ रही समझ में? अब अगर मान के चलो एक्चुअल जो एम्प्लॉयड, देखो एक्चुअल लोग जो, देखो अगर हम बात करें तो एक्चुअल अनएम्प्लॉयड रेट इज लेस देन, जो अगर एक्चुअल जो अनएम्प्लॉयड जो रेट है अगर वो कम होंगे तो सिंपल सी बात है भैया, हमारे पास जो महंगाई होगी, महंगाई में हमारे पास वृद्धि देखने को जरूर मिलेगी। हम लोग बोल सकते हैं क्या, राइज इन इन्फ्लेशन, क्या बोलेंगे बताओ, राइज इन इन्फ्लेशन, हमारे पास नाइन्थ का ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। दसवां, मनरेगा का पूर्ण रूप से क्या है, अच्छा मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पे मनरेगा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सभी को पता होना चाहिए मनरेगा का पूर्ण, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे छवि ठाकुर का ए, देवाशीष समीर मलिक ए, बहुत श्रेणी बहुत बड़े, शिव पूजन पांडे, अच्छा इसके पीछे रीजन बता सकते हैं, चलिए मैं देखता हूँ कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसको नाइन्थ में नाइन्थ का ऑप्शन ए क्यों होगा, इसके पीछे आप लोग रीजन बताएं, नाइन्थ का जो ऑप्शन है मित्रों हमारे पास ए आंसर क्यों होगा, इसके पीछे रीजन आप लोगों को पता होगा, एक बार सब लोग मुझे बताएं। तो मनरेगा का अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोग मनरेगा पर चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो मनरेगा की बात करें, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है, तो महारानी गुंगा, अच्छा ये तो छोड़ नहीं सकता, महादेवी नहीं महात्मा गांधी, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन अधिनियम या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो जल्दी से बताइए फास्ट का ऑन, दसवें का आंसर बताओ, दसवें का आंसर सभी को बताना है मित्रों, दसवें का आंसर सभी लोगों को बताना है, मनरेगा का आंसर सभी लोग बताओ, दसवें का क्या आंसर होगा, दसवें का क्या आंसर होगा सभी लोग मुझे बताओ, चलिए बताइए फास्ट, दसवें का आंसर बताओ सभी लोग फास्ट का वन। सो हमारे पास देखो क्या लिखा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, तो यहाँ पे जो जनरेशन एक्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के बाद यहाँ पे गारंटी एक्ट बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए बताओ, यहाँ पे जो इन्होंने जो जनरेशन एक्ट लिखा हुआ है, जनरेशन नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पे गारंटी एक्ट होता, अगर मान के चलो इन गारंटी एक्ट होता तो बिल्कुल सही होता, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास डी आंसर सही होना चाहिए, इसमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, ध्यान रखना। तो इसी तरीके से आपको कंफ्यूज करेगा सवाल, आपको जनरेशन एक्ट नहीं है, यहाँ पे गारंटी एक्ट होना चाहिए। तो भैया अगर आपको बस देखना है, अगर यहाँ पे भाई देखो सारी चीजें बिल्कुल सही लिखी थी, तो अगर एक बात बताओ, ये जो एक्ट है मनरेगा एक्ट क्या हो, बताओ जल्दी से फास्ट, मनरेगा एक्ट की बात करें तो कौन सा एक्ट है,
मुझे बताओ मनरेगा एक्ट का नाम क्या है, बताओ जल्दी से फास्ट, कौन सा एक्ट है, कौन सा ईयर है, आप लोग ईयर का नाम बताएं, मनरेगा एक्ट का, मनरेगा एक्ट का ईयर का नाम बताएं, जल्दी से बताओ फास्ट, कम ऑन बताओ फास्ट, कम ऑन, कब पारित किया गया था, बोलो जल्दी से फास्ट, कम ऑन, कब पारित किया गया था, तो 7 सितंबर, क्या बोलेंगे बताओ इसको, हम लोग बेसिकली 2005 बोलते हैं, है ना, तो यहाँ पे एक्ट कौन सा होगा बताओ जल्दी से, 2005, जो कि कब आया था बताओ हमारे पास, 7 सितंबर, 7th of September, 7th of September हमारे पास 2005, तो 7th of September 2005 में आया था, बोलो जल्दी से फास्ट, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी तो आप लोग मुझे बताओ जल्दी से, बात बताओ फास्ट कम ऑन, तो हमारे पास देखो किस तरीके से, अब देखो अब अगर आपको याद रखना है तो याद किस तरीके से करोगे, अब आपको ये देखना है कि मनरेगा भैया मनरेगा कब आया था, अब आपको ये नहीं पता कि 2005 में आया था या 2004 में आया था, अब आपको पता नहीं है, तो अब आपको किस तरीके से याद रखना है, देखो इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये है ना, तो आपको देखना है क्या यहाँ पे 2005 में 2 और 5 का जोड़ कितना होता है बताओ जैसे 7 होता है, तो इसी तरीके से कुछ ऐसे ट्रिक्स याद रखना है, भैया 2005 होगा, सिंपल सी बात है, सर में ही बात ना, तो अभी आपको अगर सर 1006 कर दो, भैया 1006 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है मानता हूँ 7 होता है मगर 1006 नहीं, तो 2005 होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, और आप फिर 5002 भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी आया नहीं है, तो 2005 बिल्कुल राइट आंसर है, तो 2005 से आपको इसमें 7 लेटर है, तो इस तरीके से भी 7 लेटर है, तो कब आया था बताओ 2005 में, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप लोग मुझे जरूर बताओ, तो 7 सितंबर 2005 को ये एक्ट आया था, इसलिए मनरेगा एक्ट हमने 2005 बोला हुआ है, और इसमें ऑप्शन जो है वो चौथा आंसर होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है जनरेशन की जगह गारंटी होना चाहिए, अगर यहाँ पे गारंटी होता तो हमारे पास ये तीसरा आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा, मगर यहाँ पे जनरेशन इस लिस्ट में से कोई भी आंसर नहीं है, सभी लोगों को समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत शानदार, कभी क्या बात है, तो ज्योतिष शाह को बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 7 सितंबर। चलिए आइए डिस्कस करते हैं हमारे पास अगला 11वां क्वेश्चन, देखो 11वां क्वेश्चन देखो लिखा हो क्या, माल्थस के अनुसार किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो यहाँ पे माल्थस थ्योरी जिसने भी पढ़ा होगा तो माल्थस थ्योरी को यहाँ पे बहुत डिटेल में समझना है, तो माल्थस थ्योरी के अकॉर्डिंग में अगर देखा जाए तो किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है कब, अंक गणितीय रूप से, बीज गणितीय रूप से या ज्यामितीय रूप से, ये स्थिर दर से, अकॉर्डिंग टू माल्थस द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इंक्रीजेस विद अर्थमेटिकली या अल्जेब्रिकली या ज्योमेट्रिकली या एट अ कांस्टेंट रेट, आप लोग मुझे जरूर बताओ क्या आंसर होगा, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, 11वें का सभी लोग आंसर बताओ फास्ट कम ऑन, 11वें का सभी लोग आंसर बताओ फास्ट कम ऑन, तो 11वें का आंसर क्या होगा बताओ, सो 11वें का आंसर होगा क्या कि यहां पे बताया गया क्या कि हमारे पास ज्यामितीय रूप से जिसको हम क्या बोलते हैं बताओ ज्योमेट्रिकली, क्या बोलेंगे बताओ जल्दी से, ज्यामितिक रूप से या हमारे पास ज्योमेट्रिकली, सभी को समझ में आ गया ना, तो ये हमारे पास जो है माल्थस थ्योरी का हमारे पास बिल्कुल, तो शिव पूजन हमारे पास सी आंसर, तो शिव पूजन पांडे जी का बिल्कुल सही आंसर है, ज्योतिष साहू ए नहीं होगा सी आंसर होगा, शिखा मिश्रा का सी सही है, शिव पूजन पांडे सी आंसर है, तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या होगा आंसर बताओ ज्योमेट्रिकली, अच्छा ये आप सभी लोगों को कहानी सभी को समझ में आ गई, एक बार जल्दी से मुझे ये सुनो में जवाब दे, तो यहाँ तक अगर सारी कहानी बिल्कुल क्लियर है तो हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे चर्चा कर लेते हैं, मित्रों आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा बड़ा शानदार सा बड़ा प्यारा और बहुत ही अच्छा बैच आया हुआ है आप सभी लोगों के लिए, जो कि यूपीएससी का सर्वोदय बैच है, आपको मैं बता दूं ये बैच बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा बैच है, जो कि यूपीएससी 2023 को यूपीएससी सीएससी 2023 को टारगेट कर रहा है, जो सर्वोदय बैच है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बैच है, देखिए इसके कुछ मैं फीचर्स की बात करूं तो आपको पर डे अगर आप इस बैच में एनरोल होते हैं तो आपको लाइव क्लासेस पीडीएफ नोट्स और आपको डे बाय स्टडी प्लान और प्रैक्टिस सेशन और जूम सेशन के जरिए आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा, आपके सारे डाउट क्या क्या डाउट्स हैं आपके सारे डाउट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा, आप डायरेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं, इसकी जो कोर्स की कीमत मात्र और मात्र 4999, आप मात्र इस कीमत पे 4999 सिर्फ और सिर्फ 4999 अगर हम लोग बात करें इस प्राइस में आप सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छा बैच ले सकते हैं, आपका जो ये कीमत है हमारे पास ये देखो कोर्स की कीमत हमारे पास 20,000 है मगर आप सिर्फ और सिर्फ 4999 मित्रों 4999 में सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या कर सकते हैं बताओ कि आप इस कोर्स को पा सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बड़े सिंपल तरीके से आपको एक कोड इस्तेमाल करना है जिसका नाम है IAS75, क्या यूज करना है बताओ IAS75 अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं इससे आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा, कितना बताओ 75% का डिस्काउंट मिलेगा अभी सर्वोदय बैच में, तो काफी अच्छा बैच है काफी शानदार बैच है, आप सभी लोग उस बैच का फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें हमारे पास जो है ना अगला जो है, अगर आपके पास उतने पैसे नहीं तो आप सभी लोग सारी बेनिफिट जो है ये भी सारे बेनिफिट आप लोग पा सकते हैं, सिर्फ 3 महीने की ईएमआई करा सकते हैं बहुत कम, और 3 महीने की ईएमआई सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए का आएगा, और इसमें भी आपको देखा जाए तो आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है, आपको बस कोड इस्तेमाल करना है IAS75। देखिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 8000 का बैच आपको 2000 में जो कि ईएमआई में मिल रहा है, ये अगर आप ईएमआई में लेते तो 8000 का पड़ता मगर 2000 मिल रहा है, इस पे आपको 75% का डिस्काउंट दिया गया जो कि 75% का डिस्काउंट
सारे बेनिफिट आपको दिए जाएंगे, चाहे लाइव क्लासेस हो, चाहे पीडीएफ नोट्स हो, चाहे डेवल स्टडी प्लान हो, प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे जूम के जरिए आप लोग डाउट सेशन मिले, तो जूम के जरिए आप लोग अपने डाउट सेशन को भी आप लोग कंडक्ट कर सकते हैं। आप टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अपने सिलेक्शन की तरफ आप लोग एक और बेहतरीन सा कदम आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को अगर ये बैच लेना है तो आप लोगों को बस सिंपल सा कुछ नहीं करना, एग्जामपुर का प्ले स्टोर से ऑफिशियल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। जैसे आप प्ले स्टोर से आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप को डाउनलोड करने के बाद देखेंगे किस तरीके से हमारे पास बैच दिखेगा। इस ऐप के कुछ बेनिफिट दिखाएं तो आपको यहाँ पे जितने भी जॉब आते हैं गवर्नमेंट जॉब, आपके सारे गवर्नमेंट जॉब का यहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा। स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेस है, फ्री सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे। अनलिमिटेड क्विज प्रैक्टिसेस होगा, फ्री प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन होगा, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। तो ये सारे बेनिफिट आप लोगों को दिया जा रहा है। मतलब एग्जाम्पल का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है। आप सभी लोग इस एप्लीकेशन को पा सकते हैं, देख सकते हैं। एग्जाम्पल का ऑफिशियल एप्लीकेशन इस तरीके से डाउनलोड करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल ऐप डाउट टाइप करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे अपने फोन में। इसको ओपन कर सकते हैं या तो अनइंस्टॉल करो, आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप लॉग इन करें या तो रजिस्टर करें। लॉग इन और रजिस्टर करके आप अगर लॉग इन कर सकते हैं अगर एक्सिस्टिंग यूजर है, नहीं तो आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं अपने कुछ बेसिक डिटेल देके। तो ये हमारे पास कुछ कोर्स की डिटेल थी मेरे भाई, है ना। बहुत ही अच्छा बैच है, सर्वोदय बैच आप लोगों के लिए बिल्कुल टारगेट है, टारगेटेड बैच है। तो आप सब लोग विद इन अ टाइम लिमिट अगर आप लोग चाहते हैं कि सिलेबस कवरअप हो तो आप लोग जरूर आए और बैच को बाय करें। हमारे पास 11वां क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं, इसका आंसर ज्योमेट्रिकली होगा, ज्यामितीय रूप से। आइए 12वां क्वेश्चन में, 12वां क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। सो 12वां क्वेश्चन का क्या आंसर होगा इस बात पे चर्चा करते हैं। देखो, सो हम लोग बात करें अनधिमान वक्र, अगर हम लोग बात करें इंडिफरेंस कर्व, अच्छा अनधिमान वक्र जो है विधि का संबंध किस शास्त्र से नहीं है, तो अच्छा इसको भी आप लोग क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो छोड़ दे क्वेश्चन, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। ये देखते हैं हमारे पास, देखो क्या, तो यहाँ पर 13वां क्वेश्चन हमारे पास देखो लिखा हुआ है, क्या एक संपत्ति जो उधारकर्ता का मालिक है ना और ऋणदाता का गारंटी के रूप में उपयोग करता है, जब तक कि ऋण चुकाया नहीं जाता है तो किस रूप में जाना जाएगा, डिपॉजिट, गारंटी या कोलेक्ट्रल या गिरवी। चलिए ये बताइए आंसर, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए फास्ट, कम ऑन। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोगों को बताना है कि आंसर क्या होगा, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। 13वें का आंसर बताओ सभी लोग फास्ट, 13 का आंसर क्या होगा, 13 का आंसर बताओ, 13 का क्या आंसर होगा बताओ। देखिए हमारे पास अगर हम बात करें जो कोलेट्रल होता है, कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, कोलेट्रल का मतलब क्या कि ये भी कोलेट्रल का मतलब बड़ा साधारण सा है। तो यहाँ पे देवाशीष हो रहा है, दूसरा आंसर आ रहा है। अच्छा 13 का सर बी आंसर आएगा, तो 13 का बी आंसर बताया जा रहा है। तो 13 का बी आंसर देखो, एक संपत्ति जो उधारकर्ता का मालिक है, एन असेट विच द बोरोवर ओन्स एंड यूज द लेंडर एज अ गारंटी टिल द लोन इज प्रीपेड इज नोन एज, एक संपत्ति जो उधारकर्ता का मालिक है ना, उधारकर्ता का मालिक है और ऋणदाता का गारंटी के रूप में उपयोग करता है, जब तक कि ऋण चुकाया नहीं जाता किस रूप में जाना जाएगा। अच्छा ये चीज समझो, मतलब मान के चलो क्या हुआ कि आपने मुझसे 20 लाख रुपए लिया, आपने मुझसे क्या किया बोलो, मान के चलो आपने मुझे 20 लाख रुपए दिया, ठीक है। अब आपने मुझे 20 लाख रुपए दिया तो सिंपल सी बात है, मैं कर्जदार हो गया आपका ना, मैं कर्जदार हो गया। तो भैया अब क्या हुआ कि मैंने बोल दिया एक काम करो, ये लो बिल्डिंग ले लो, मेरी बिल्डिंग ले लो, आप मेरी बिल्डिंग में रहें, तो आप मेरी बिल्डिंग में रहोगे, मुझे 1 रुपया किराया नहीं दोगे, आप मेरी बिल्डिंग का पूरा पूर्ण रूप से उपयोग करोगे। कब तक उपयोग करोगे बताओ, जब तक मैं आपका पैसा पूरा का पूरा 20 लाख वापस नहीं कर देता हूं। जब मैं आपका पूरा 20 लाख जब मैं वापस कर दूंगा तो आप मेरी बिल्डिंग को छोड़ के चले जाएंगे। आप मेरी बात को मेरी बात से सहमत है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं क्या, कोलेक्ट्रल। इसी को हम क्या बोलेंगे बताओ, जैसे कोलेक्ट्रल। तो तीसरा आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो 13 का थर्ड आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़े आगे आगे देखो, बढ़े आगे जल्दी से बताओ फास्ट, कम ऑन। 13 का तीसरा, 14 देखते हैं हमारे पास 14 देखो क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है। सो 14 क्वेश्चन लिखा हुआ क्या, अभिकथन, अगर हम लोग बात करें जनसंख्या में कामकाजी उम्र के लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण आर्थिक विकास की दर में वृद्धि को जनसंख्यांकिक लाभांश कहा जाता है। कारण यहाँ पर रीजन बताया जा रहा है क्या, बेरोजगार आर्थिक विकास को सामाजिक अशांति की ओर ले जाता है। तो 14 क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, तो हमारे पास ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप लोग एक बार देखो यहाँ पे चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा आंसर गलत है। तो यहाँ पे पीके पाठशाला, अभिषेक सिंह राजपूत, छिवी ठाकुर, शोधा बघेल और एमडी बाबू, जितने भी सब लोग लाइव हैं, एक बार सब लोग मुझे बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन 14 है हमारे पास, देखो अभिकथन, हमारे पास जो एसर्शन दिया हुआ है देखो क्या, कि जनसंख्या में कामकाजी उम्र के लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण आर्थिक विकास की दर में वृद्धि को जनसंख्यांकिक लाभांश कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर जो कामकाज वाले जो लोग बढ़ रहे हैं, मतलब कामकाज मतलब क्या समझ रहे हो, क्या वर्कर पॉपुलेशन, जो मतलब एक्टिव लोग हैं,
वो बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, बेरोजगार आर्थिक विकास को, बेरोजगार आर्थिक विकास को सामाजिक अशांति की ओर ले जाता है। तो ये बहुत हम लोग अगर बात करें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर बताइए सभी लोग, बताओ फास्ट, कम ऑन। ऋतिक ए है ना, सो ऋतिक शिवशानी ए बताया जा रहा है, एमडी बाबू हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कंचन कुमारी बी आंसर, किसी का सी आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं भाई क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ फास्ट, कम ऑन। यहाँ पे आंसर बताइए सभी लोग, बताओ फास्ट, कम ऑन क्या आंसर होगा। मित्रों एक बार सभी लोगों को बताना है विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। 14th बताइए, सो 14th का आप लोग बता दीजिए फास्ट। दोनों ए और आर व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं और आर ए का ए की सही व्याख्या है। तो भैया आर जो है वो ए की सही व्याख्या, मतलब ये सही बात कह रहा है, मजा तो नहीं आ रहा है इस आर वाली बात में। दोनों ए और आर व्यक्तिगत रूप से सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, है ना, मतलब ए को जो है असर्शन को सही तरीके से समझा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें असर्शन, देखो क्या लिखा है, द इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू द इंक्रीजिंग शेयर ऑफ वर्किंग एज पीपल इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो बिल्कुल सही बात है, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब क्या, हमारे पास जनसंख्या की लाभ मिल रहा है। बस सिंपल सी बात है, देखो एक बात समझो ध्यान से, अगर एक देश वो देश है जहां पे अगर हम लोग बात करें, अगर लूले लंगड़े या मतलब पैरालाइज लोग अगर पैदा हो रहे हैं, और अगर वहां पे अधिकांश लोग, मान के चलिए ऐसा किसी देश में ना हो, अधिकांश लोग अगर पैरालाइज होंगे, वो फिजिकली फिट नहीं होंगे, और एक वो देश है जिस देश में अगर हम लोग बात करें जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, वो सारे के सारे बिल्कुल हस्त पुष्ट मस्त और अच्छे क्वालिफाइड लोग अगर है, तो एक बात बताइए जो लाभ हो, जो होगा वो लाभ किस देश को मिलेगा जनसंख्या का। भाई उस देश में भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इस देश में भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो जो देश बी है उस देश बी में क्या हो रहा है बोलो, बिल्कुल हस्त पुष्ट मस्त और एकदम फिट, फिजिकली फिट और साथ के साथ वेल क्वालिफाइड लोगों की, लोगों जैसे की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो देश बी जो है उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा एज कम्पेयर टू देश ए, क्योंकि देश ए में अनफिट जो कि अनफिजिकली फिट है, जो कि फिजिकली फिट नहीं है, ऐसे लोगों की वृद्धि हो रही है। तो हमारे पास बिल्कुल सही बात है कि अगर देश में वृद्धि कामकाजी लोगों की, जो ऐसे लोग जो काम करने के योग्य हैं या काम करना चाहते हैं, ठीक है ना, काम करने के योग्य हैं या काम करना चाहते हैं, उन लोगों की अगर वृद्धि हो रही है, तो भैया बिल्कुल सही बात है, देश को उनका बिल्कुल लाभ मिलेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही संपूर्ण तरीके से एज अ अच्छे संसाधन के रूप में एक देश के लिए क्या होंगे बोलो, समर्पित होंगे। तो देश को लाभ मिलना बिल्कुल तय है। जैसे अगर हम आप सभी की बात करें, आप सभी लोग एक मतलब वो स्टूडेंट हो जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग फिजिकली फिट हैं, आप लोग बिल्कुल क्वालिफाइड हैं, आप लोग रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, और आप लोग काम करने के इच्छुक हैं, और आप लोग काम करना मतलब काम करने के इच्छुक हैं, और आप एक देश के लिए बहुत ही एक अच्छे संसाधन के रूप में काम मतलब आपका उपयोग किया जा सकता है। तो अगर आप जैसे लोगों का अगर जनसंख्या में, अगर आप जैसे लोगों की जनसंख्या में अगर वृद्धि होगी, तो देश के लिए कोई मतलब बहुत बड़ी चुनौती नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि देश की भाई सिंपल से वेल क्वालिफाइड लोग हो रहे हैं, देश के लिए अच्छी बात है। अब यही अगर मान लीजिए अनक्वालिफाइड अनफिट है ना, मगर इस तरीके से अगर लोग आएंगे, तो भाई देश के लिए एक प्रकार का बर्डन होगा, एक प्रकार का कर्जा होगा। तो यही बात यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे दूसरा आंसर सही है कि बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू है ना, अगर देखा जाए तो ए भी सही है और आर भी सही है, मगर जो आर जो है ना, जो रीजन जो बताया हुआ, ए का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बिल्कुल बी आंसर सही आंसर होगा। तो कंचन कुमारी सर बी आंसर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। तो कंचन कुमारी क्या आंसर होगा बताओ, बी आंसर। सो सिर्फ कंचन का आंसर आ रहा है, देखो कंचन का आंसर जो है वो सिर्फ कंचन का ही आंसर आ रहा है सर, बी आंसर मतलब क्या, दूसरा आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो आइए चर्चा करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिखा हुआ है क्या, व्यापार चक्र है ना, तो व्यापार चक्र का अगर हम बात करें किससे संबंधित नहीं है, तो अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर से या उत्पादन स्तर से या रोजगार स्तर से या सरकार में राजनीतिक दल से। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इन चारों ऑप्शन में बिल्कुल अच्छे तरीके से बताना है कि चार ऑप्शन का क्या मतलब है। बताओ फास्ट, कम ऑन, बताओ फास्ट, कम ऑन। तो एक बार आप सभी लोग मुझे बताओ, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझे, व्यापार चक्र का किससे संबंधित नहीं है, तो अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर या उत्पादन स्तर या रोजगार स्तर या सरकार में राजनीतिक दल। तो जो बिजनेस साइकिल होता है, देखो बिजनेस साइकिल की बात करें, सो अगर मैं किसी भी बिजनेस साइकिल की बात करूं, तो उस बिजनेस साइकिल के लिए हमारे पास देखो कौन सा होगा आंसर बताओ, कि हमारे पास प्रोडक्शन लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल या पॉलिटिकल पार्टी इन द गवर्नमेंट। तो बताओ फास्ट, 15th का क्या आंसर होगा, 15th का आंसर बताएं सब लोग फास्ट, कम ऑन। तो देखो सिंपल सी बात है, देखो अगर
भैया प्राइस लेवल अगर मान के चलो अगर अर्थव्यवस्था में चेंज होगा, अर्थव्यवस्था में अगर मूल्य स्तर चेंज होगा तो मूल्य स्तर के बदलाव से, समझो अगर मूल्य स्तर में बदलाव होगा तो मूल्य स्तर के बदलाव से हमारे पास इन्फ्लेशन आएगा और डिफ्लेशन आएगा। भाई मूल्य स्तर के बदलाव से प्राइस के बढ़ने और घटने से आप सभी को पता होना चाहिए, प्राइस के घटने और बढ़ने से ही क्या होता है बताओ, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आता है। मित्रों अगर प्राइस के बढ़ने और घटने से अगर इन्फ्लेशन आता है और डिफ्लेशन आता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि हमारे पास बिल्कुल पहला आंसर तो होना चाहिए, मतलब बिजनेस साइकिल का पार्ट है, मगर यहाँ पर नहीं बोला हुआ है क्या कि ये पार्ट जो वो पहचानी जो नहीं है। ठीक है, उत्पादन स्तर बिल्कुल सही, अगर प्रोडक्शन कम करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे तो भैया क्या होगा बताओ, हमारे पास इन्फ्लेशन आना है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर देंगे, सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास पार्ट है, मगर यहाँ नहीं पूछा हुआ। तो रोजगार स्तर, भाई रोजगार ज्यादा होगा तो लोगों की, रोजगार ज्यादा होगा तो रोजगार, देखो अगर देश में रोजगार ज्यादा होगा लोगों की इनकम बहुत ज्यादा होगी, अगर लोगों की इनकम ज्यादा होगी तो सिंपल से मतलब लोगों की मांग ज्यादा होगी, अगर लोगों की मांग ज्यादा होगी तो बिल्कुल एरोप्लेन की तरह से प्राइस भी बढ़ेगा। भाई सिंपल से मतलब लोगों की मांग ज्यादा, तो मांग ज्यादा होगी तो एकदम से प्लेन की तरह बिल्कुल टेक ऑफ कर लेगा प्राइस, मतलब प्राइस भी बहुत ज्यादा होगी और उससे महंगाई आएगी। तो भाई बिल्कुल सही बात है, तो ये भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का टाइम हो गया, तो मेरे पास तीनों आंसर सही है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नहीं पूछा होगा जो उसका पार्ट नहीं है, तो भाई सिंपल सरकार में राजनीतिक दल है ना, भाई राजनीतिक दल से देखो कोई मतलब नहीं होता। अब वो अलग बात है कि कोई आगे पॉलिटिकल पार्टी अपना जो है तमाम प्रकार की नियम कानून को लगा दे वो अलग बात है ना, वो व्यक्तिगत बात है, मगर हम अगर बात करें तो यहाँ पे जो चौथा आंसर होगा कि सरकार में राजनीतिक दल, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो हमारे पास देखो क्या पॉलिटिकल पार्टी इन द गवर्नमेंट, बिल्कुल राइट आंसर है। तो हम यहाँ तक ही सारी बातें सभी को समझ में आ गई, तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा कि शिखा मिश्रा, शिवपूजन पांडे है ना, सुधा भगेल, ज्योति साहू और कंचन कुमारी, बिल्कुल सही, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सो 15 का डी आंसर मित्रों राइट आंसर होगा। आइए डिस्कस करते हैं 16। देखो 16 देखते हैं तो हमारे पास विमुद्रीकरण क्या है, तो विमुद्रीकरण देखते हैं हमारे पास विमुद्रीकरण क्या होता है। सो आइए देखते हैं हमारे पास विमुद्रीकरण क्या होता है, एक बार सभी लोग मुझे बताओ ये विमुद्रीकरण क्या होता है, एक बार सभी लोग मुझे बताओ व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन। वाओ क्या बात है, आज हम डिमोनेटाइजेशन पे चर्चा भी करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि नोटबंदी हमारे समय पे ही हुई थी है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया एक बात बताओ मतलब एलपीजी कब आया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ना जिसको हम लोग बोलते हैं क्या नई आर्थिक नीति कब आया था, तो आप बोलोगे सर 1991 में आया था मगर उस टाइम मैं था नहीं, तो आपको रियल चीज नहीं पता होगा। तो मुझे लगता है कि नोटबंदी क्या है, नोटबंदी कब आया था, इससे क्या प्रभाव पड़ा, किस उद्देश्य से आया था, कौन लेके आया था और किस तरीके से इसका प्रभाव हमारे देश और दुनिया में पड़ा, हम सभी लोग इसी देश में थे, हमने भली भांति तरीके से हर चीज को देखा समझा सीखा और आजमाया, और हम भी या हमारे आसपास के लोग इस तरीके से प्रभावपूर्ण मतलब प्रभाव इस पे इनका उनपे किस प्रकार से प्रभाव पड़ा वो सारी चीजें हमने देखी। तो डिमोनेटाइजेशन अगर देखा जाए, नोटबंदी की अगर हम लोग बात करें, नोटबंदी विमुद्रीकरण जो था हमारे पास वो क्या है, इस बात पे चर्चा करते हैं। देखो कब आया था एक बार मुझे बताओ, कब आया था बताओ, फास्ट कम ऑन। तो विमुद्रीकरण अगर हम लोग बात करें वो क्या था, देखो कंचन कुमारी सर साइड प्लीज, चलो मैं साइड हो गया, बताइए फास्ट क्या आंसर होगा, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, सब लोग मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। 16 का बताओ सब लोग फास्ट कम ऑन, 16वें का आंसर बताओ फास्ट कम ऑन, देखिए साहब बताइए फास्ट कम ऑन। देखो सबसे पहली बात कब आया था, तो यहां पर सर 2016 में आया था, तो भाई 2016 में तो आया था मगर कब आया था पता है आपको, कब आया था मैं आपको बताऊं, कल आया था, जो बीता हुआ जो कल था ना 8 नवंबर, कब आया था 8 नवंबर, ठीक है ना, याद है ना, पक्का याद है कि नहीं आया बताओ दिल से। नहीं कब आया था पता है, कल हमारे यहां नोटबंदी हुई थी, कब हुआ था बताओ, अरे भैया 8 नवंबर, आप सुन लो ध्यान से, तो हमारे पास 8 नवंबर, बहुत ध्यान से सुनो, 8 नवंबर 2016 मतलब अभी जस्ट एक दिन पहले, मतलब जो कल जो बीता हुआ जो कल है हमारा, ठीक है, 8 नवंबर 2016 को हमारे पास पीएम साहब आते हैं, मोदी जी आते हैं और बोलते हैं कि जी ऐसा है कि देश में
अभी इस प्रेजेंट में, इस समय में जितने भी हमारे पास 500 के और जितने भी हमारे पास 1000 रुपए के जो भी जो नोट हैं, वो नोट अब लीगल टेंडर में नहीं है। उन्होंने एक बात बोली कि उन्होंने बोला वो लीगल टेंडर में नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला कि चलेगा ही नहीं, उन्होंने बोला लीगल टेंडर में नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला कि उसको फाड़ के फेंक दो, है ना, नोट को, अब वो नोट का कोई उपयोग नहीं है। मोदी जी ने इस बात को बहुत, अगर आप लोग जाके सुन भी सकते हैं, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि वो लीगल टेंडर, मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई आप इस नोट को फाड़ के फेंक दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं। उन्होंने बोला अब ये लीगल टेंडर में नहीं है। लीगल टेंडर का मतलब नहीं, लीगल टेंडर का मतलब होता है क्या कि अब ये लीगली मार्केट में नहीं चलेंगे, है ना, अभी लीगली मार्केट में नहीं चलेंगे। अब क्या होगा, आप इसको जो है बैंक में, समझ में बात, आप अगर बात करिए ये लीगली मार्केट में इनको नहीं चलाया जाएगा, आप बैंक के पास, आप आरबीआई के पास, है ना, आप मतलब कि ऐसे कुछ फॉरेक, मतलब जो ऐसे कुछ संस्था है एयरपोर्ट पे, मतलब ऐसे जगह जाके आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं, वो लीगल टेंडर में नहीं, मतलब जो लीगल टेंडर, मतलब मार्केट में अब उनका कोई भी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ये हमारे मोदी जी ने कहा था, कब बताओ, 8 नवंबर 2016 को, कब बताओ, 8 नवंबर 2016 को। अच्छा मित्रों, आज एक बात बताओ, आप एक बात बताइए, ये जो नोटबंदी हुई थी, आज हम डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी पे चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है, तो क्योंकि हो सकता है कि हमारे इस मेंस के, मेंस को क्या टारगेट करते हुए, इंटरव्यू को टारगेट करते हुए हमें पूछा जा सकता है, तो क्या ये नोटबंदी हमारे भारत देश के लिए सही थी या गलत थी, इस बात पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो जो नोटबंदी थी, जिसको हम लोगों ने नाम दिया डिमोनेटाइजेशन, ठीक है ना, तो ये जो नोटबंदी थी, है ना, नोटबंदी, ठीक है, सो जो नोटबंदी है, नोटबंदी जिसको हमने नाम दिया, तो नोटबंदी क्या हमारे भारत देश के लिए सही है या गलत है, इस बात पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो साहब देखो, ये नोटबंदी पहली बात हुआ क्यों था, किसी को आइडिया है? आज आप सब लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। हम आज कुछ चंद मिनट में हम आपसे चाहते हैं कि कुछ चर्चा करें, हम आज इकोनॉमिक्स की क्लास में हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि आज हमारे देश में नोटबंदी हुई क्यों थी, क्या कारण रहा था, नोटबंदी होने का क्या कारण रहा था, आप सभी लोग मुझे बताएं। आप सभी लोगों का मैं कमेंट का वेट करूंगा कि किसी को पता है कि नोटबंदी, बताओ दिल से फास्ट, कम ऑन मेरे भाई, एक बार सब लोग मुझे बताओ, सब लोग बताओ फास्ट, कम ऑन, ठीक है। अच्छा एक बात, तो कौन कौन इंटरेस्टेड है, सबसे पहले मैं कौन कौन इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए आज कि नोटबंदी क्यों हुई थी, हमारे भारत देश में ऐसी क्या अचानक जरूरत पड़ी कि नोटबंदी किया गया, तो ये कौन कौन इंटरेस्टेड है जानने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो बताएं, नहीं इंटरेस्टेड है तो हम क्वेश्चन को करेंगे जो हमने एमसीक्यू के क्वेश्चंस को किया है। तो अभी हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, इसका आंसर डिस्कस करके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग जानना चाहते हैं नोटबंदी क्यों किया गया है हमारे भारत देश में, तो एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, आप लोग मुझे थंबनेल करके बताएं, यस सर हमें जानने का इच्छा है, तो मैं बताऊंगा, चलिए बताइए फास्ट, कम ऑन। देखिए मित्रों, अगर हम लोग बात करें, बहुत ध्यान से समझना है ना, 8 नवंबर 2016 ब्लैक मनी को निकालने के लिए, अच्छा यस सर यस सर यस सर, अच्छा पैसे देख, अच्छा चलो आइए हम देखते हैं क्या, बिल्कुल सही, तो बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं, तो आपकी जो है इच्छा जो है हम इच्छा की पूर्ति करते हैं कि बेसिकली नोटबंदी हुई क्यों थी, बहुत साधारण तरीके समझो, तो नोटबंदी पे हम लोग बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, ठीक है ना, तो काला धन वाला धन ये सब जो है एक एक मतलब था, हम लोग ये देखते हैं हमारे देश में क्या था। देखो एक छोटी सी कहानी समझो, एक छोटा सा स्टोरी समझो, नोटबंदी होने का कारण क्या था, मान लीजिए यहाँ पे चिंटू है, ठीक है, चिंटू के जो फादर है मान के चलो रामलाल जी है, ठीक है, रामलाल जी, रामलाल ने क्या किया, इस चिंटू को बहुत ध्यान से समझना, नोटबंदी होने का कारण क्या था, सिर्फ यही कारण था, जिसको एक छोटी सी कहानी समझ में आ गई बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो अब कमेंट वमेंट बंद करो, जैसे रामलाल है, रामलाल का, रामलाल इनके फादर है चिंटू के, अब चिंटू को दिया गया, जाओ चिंटू ये 100 रुपए लो, है ना, अब जाके बाजार से सामान लेके आओ, ठीक है। तो चिंटू गया बाजार में, जब बाजार से जाता है सामान ले, बाजार से सामान लाने जाता है, तो फिर वो बाजार से सामान लाके रामलाल को, अपने फादर को बोलता है, भैया ऐसा पापा जी ऐसा है कि हमने 100 रुपए का सामान खरीद लिया। तो पापा इसके बड़े खुश होते हैं, बहुत अच्छे से खुश हो जाते हैं, पापा इसके खुश हो गए, तो वाह मेरा चिंटू को मैंने 100 रुपए दिया और 100 रुपए का सामान लेके चलाया। अब चिंटू के पापा मिलाएंगे, भैया 10 रुपए का टमाटर लेके आया, है ना, 10 रुपए का टमाटर लेके आया, 10 रुपए की गोभी लेके आया,
₹10 का मटर लेके आए और ₹50 का हमारे पास जो है शिमला मिर्च लेके आए और हमारे पास जो है और ₹20 का मान के चलो हमारे पास जो प्याज लेके आए। तो भैया चिंटू के पापा ने मिला दिया कि क्या क्या था, ठीक है, और चिंटू के पापा ने शाबाशी ठोक दी। चिंटू को शाबाशी ठोक दी, वाह मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे काले, तूने बहुत अच्छा काम किया, तुझे मैंने आज ₹100 दिए और तूने ₹100 का बड़ा सही हिसाब किताब दे दिया कि मैंने ₹100 कहाँ कहाँ कैसे कैसे किसको किसको और क्या क्या खरीद के मैंने खर्च किया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब क्या हुआ, अचानक चिंटू की मम्मी आई। चिंटू की क्या ही बता देने से हमारे पास, चिंटू की मम्मी आई, ठीक है भैया, मान के चलो चिंटू की क्या ही बता देने से हमारे पास चिंटू की मम्मी आई। तो चिंटू की मम्मी ने चिंटू के कान में पूछा कि भैया एक बात बताओ चिंटू, आपके पास पैसे हैं? तो चिंटू चोरी से बोलता है अपनी मम्मी को, मम्मी मम्मी मेरे पास ₹80 पड़े हैं, ₹80 पड़े हैं। अब ये ₹80 कहां से आए, ये ₹80 कहां से आए? भैया अगर रामलाल ने चिंटू को ₹100 दिए थे, ₹100 का सामान अगर आ गया है तो ये चिंटू के पास ₹80 कहां से आए, ये बताइए भाई। अब बताइए जल्दी से भाई, डाउट है कि नहीं है भाई? अगर चिंटू के पास ये ₹80 कहां से आए, सबसे बड़ी समस्या है, चिंटू ना कमाता है ना धमाता है भाई। चिंटू को सिर्फ और सिर्फ ₹100 दिया गया था, जब ₹100 दिया गया, ₹100 का सामान आ गया, तो भाई ₹80 या चिंटू के पास आए कैसे? या तो चिंटू ने कहीं चोरी किया हुआ है, सिंपल सी बात है, या तो चिंटू सामान जो है गलत लेके आ गया है, सामान जो है वो नकली नोटों का लेके आ गया है, नकली नोट दिखा दिखा के उसने सामान खरीद लिया या बेवकूफ बनाया, या तो हम लोग बोल सकते हैं इसने धोखाधड़ी किया होगा, किसी से छीना होगा, किसी से झपटा होगा, किसने किसी के साथ गलत काम किया होगा। तो इस तरीके से तमाम प्रकार की जो चीजें हैं वो चिंटू के पास जो ₹80 जो मौजूद है ना, वो क्योंकि ₹80 होने नीचे चिंटू के पास भाई। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, आपको शायद अंदाजा बिल्कुल नहीं होगा, कि जो सरकार है गवर्नमेंट और ये जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों अगर हम बात करें इकोनॉमी मतलब होता है अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था में बिल्कुल ये जानना चाहते हैं कि भैया RBI आप सभी को पता है नोट इश्यू करता है, जिस तरीके से रामलाल ने चिंटू को ₹100 दिए थे, इस तरीके से RBI क्या करती है इस अर्थव्यवस्था में, नोट इश्यू करती है। RBI पापा है और इकोनॉमी चिंटू है, तो RBI एज अ पापा जो है चिंटू को कितने रुपए देता है, समझ में बात? तो अगर मान के चलो RBI ने ₹100 अगर इस इकोनॉमी में दिया है, तो अब RBI ये चेक करना चाहता है मित्रों कि क्या इस इकोनॉमी में ₹100 है या नहीं है। आप मेरी बात को समझ में आ रही बात? देखो मान के चलिए इकोनॉमी में हम चार लोग रहते हैं, ए और बी और ए सी और डी, मान के चलिए भारत देश की जो जनसंख्या है ये चार लोगों की है, आरबीआई ने इस अर्थव्यवस्था में ₹100 इशू किए, पक्का ना? अब मान के चलिए ए के पास ₹20 है और बी के पास हमारे पास ₹30 है, सी के पास ₹50 है और डी के पास ₹90 है, देखो 30, 20, 50, 100 और 190। अब बताइए आप लोग मुझे बताइए भैया आरबीआई ने, आप बताइए RBI ने कितना इशू किया, ₹100 अर्थव्यवस्था में, भैया ABCD के पास कितना पाया जा रहा है, ₹190। अरे भैया जब इशू किया ₹100, दूसरा RBI के सिवा कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो भैया रुपए को बनाती है, तो ₹90 फालतू हमारे अर्थव्यवस्था में आया कैसे? भैया हमारे पास जो है देश में ₹90 फालतू आया कैसे, क्यों आया बताइए ₹90? मित्रों ये ₹90 आने का मतलब क्या था, कि कैसे आया? हो सकता है कि ₹90 किसने गलत, भाई बोलते ना कि डुप्लीकेट करेंसी है ना, डुप्लीकेट करेंसी अगर छाप दिया तो हो सकता है किसी ने डुप्लीकेट करेंसी छाप दिया होगा। हो सकता है क्या कि भाई विदेश से जो है मतलब बहुत मतलब काला धन हो गया, मतलब मान के चलो किसी के पास बिल्कुल जमा धन पड़ा हुआ था पहले का माना, तो वो यूज कर रहा है। तो ऐसे तमाम प्रकार के ऐसे कारण हो सकते हैं मेरे भाई, तमाम प्रकार के कारण हो सकते हैं। ओके RBI ने ₹100 इशू किया, देखो मैंने आपको कहानी समझाई भैया, एक बात बताओ, अगर देश की अर्थव्यवस्था में पैसा बहुत ज्यादा होगा, भैया RBI ने सोचा कि हमारी अर्थव्यवस्था में ₹100 होना चाहिए, क्योंकि RBI की जिम्मेदारी क्या कहती है, RBI की जिम्मेदारी होती है कि हम मुद्रास्फीति को कंट्रोल करेंगे, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। RBI का कहना क्या है, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के ध्यान में रखते हुए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ध्यान में रखते हुए RBI ने ₹100 इशू किया। पता चलता है वहां पे ब्लैक मार्केटिंग के जरिए ₹90 और फालतू में भाई चोरी का धन पड़ा हुआ है ₹90 का। अब ये क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, ₹190 पड़ा हुआ है। अब इससे क्या हुआ, जब अर्थव्यवस्था में पैसा बहुत ज्यादा होगा, जब पैसा बहुत ज्यादा होगा तो भाई सिंपल सी बात है, पैसा बहुत ज्यादा होने से
महंगाई बढ़ती है। सिंपल सी बात है, अगर पैसा बहुत ज्यादा होगा तो पैसे बहुत ज्यादा से क्या होगा, तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ना हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक चीज शामिल हो सकता है। अब क्या होता है कि भाई सिंपल सी बात है, अब आरबीआई को यही पता करना था, आरबीआई को यही जानना था, आरबीआई को यही पता करना था, सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, सिर्फ और सिर्फ एक मतलब नोटबंदी का, नोटबंदी का सिर्फ और सिर्फ एक ही साधारण सा मतलब, बिल्कुल सीधा सा सिद्धांत है कि भैया आरबीआई ने जितना पैसा इशू किया है मार्केट में, अर्थव्यवस्था में, क्या उतना पैसा आरबीआई को, मतलब इतना पैसा क्या वाकई चल रहा है देश में, क्या उतना पैसा अभी भी आरबीआई मतलब देश में है? अगर आरबीआई ने 100 रुपए अगर इशू किया हुआ है तो क्या देश में 100 रुपए है कि नहीं है? आरबीआई ये जानना चाहता था, सरकार ये जानना चाहती थी कि भैया अगर मान के चलो अगर आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में अगर 100 रुपए इशू किया हुआ है, अगर आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में अगर 100 रुपए इशू किया हुआ है और अगर 100 रुपए ही अर्थव्यवस्था में अगर मिलता है तो बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई, हमने 100 रुपए दिया था, हमें 100 रुपए मिल गए, मतलब हमने अर्थव्यवस्था में 100 रुपए डाले थे और आज अर्थव्यवस्था में जब मैंने चेक किया तो अर्थव्यवस्था में लोगों के पास 100 रुपए मिले, मतलब क्या किसी प्रकार का कालाधन, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी प्रकार का कोई भी डुप्लीकेट करेंसी कुछ भी हमारे अर्थव्यवस्था में नहीं चल रही है। आपको बताऊं मैं, आपको ये समझ में आ गई बात, बोलो जल्दी से फास्ट। अब हुआ क्या, पता चला आरबीआई ने, भैया आरबीआई का उद्देश्य क्या था कि अर्थव्यवस्था में चेक करना, इकोनॉमी में चेक करना, आरबीआई का उद्देश्य क्या था, इकोनॉमी में चेक करना कि भैया हमारे इकोनॉमी में जितना हमने नोट इशू किया था उतना है या नहीं है। अब क्या हुआ कि आरबीआई को पता, देखो गवर्नमेंट को भी सिंपल से पता, आरबीआई तो कुछ कह नहीं सकता, तो उसने गवर्नमेंट का सहारा लिया, उसने बोला देखो जो मतलब नोट मतलब जो भ्रष्टाचारी करेगा ना, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो करप्शन करेगा ना, वो करप्शन करने वाला जो है, जो करप्शन करेगा वो ऑब्वियस सी बात है, समझो जो करप्शन करेगा वो करप्शन करने वाला व्यक्ति 10 20 50 का नोट पे करप्शन ही करेगा। नेता लोग कभी 10 20 का नोट रखेंगे क्या? 10 20 50 का नोट रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। नेता लोग कभी भी 10 20 50 का नोट रखेंगे नहीं। नेता लोग रखेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ 500 और 1000 की गड्डी, क्योंकि भाई वो 500 और 1000 की गड्डी रखना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, 500 और 1000 के 1000 का नोट रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया बहुत सारा पैसा होता है और 500 1000 के नोट ही उनके लिए बहुत पूरा जिनका जमीन उमीन और उनका बोलते हैं क्या कि सब खोद खाद के उनको डालना पड़ता है, मतलब भर जाता है, तो 10-10 के नोट रखेंगे तो फिर तो पता नहीं कहां कहां उनको रखना पड़ेगा। तो 500 1000 के नोट पे क्या कर दिया बोलो, उस पर बैन लगा दिया। तो जैसे ही बैन लगा दिया, इसके बाद क्या हुआ कि अब हुआ क्या, जैसे बोलिए भाई 500 के नोट नहीं चलेंगे, 1000 के नोट नहीं चलेंगे, ठीक है, अब क्या हुआ अचानक से, अब आरबीआई ने जैसे गवर्नमेंट का सहारा लेके इसको बैन कराया, तो बैन कराते ही अब मैं डायरेक्ट आपको मुद्दे पे बात करता हूँ, कंक्लूजन पे बात करता हूँ। अब आरबीआई का जो रिजल्ट रहा, आरबीआई का क्या उद्देश्य था कि भैया एक बात बताओ कि अगर आरबीआई ने 100 रुपए इशू किया है तो कितना जो है मार्केट में चल रहा है। तो भैया देखा कि जितना आरबीआई ने नोट इशू किया था, जितना आरबीआई ने नोट इशू किया था, तो आरबीआई ने नोट इशू, जितना भी नोट इशू किया था उसका 99% है ना, मुझे पूरा याद नहीं है, 99% जो है वो आरबीआई के पास वापस आ गया। मतलब अगर आरबीआई ने अगर 100 रुपए इशू किया था तो 99% जो है आरबीआई के पास आ गया। हम अगर मतलब मोटा मोटा माने, मतलब अप्रोक्स माने, थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा मुझे डेटा याद नहीं है, अगर मैं अप्रोक्स मानूं तो मान के चलो अप्रोक्स मतलब 0.2% या मान के चलो 0.5% जो है ये पैसा नहीं आ पाया हमारे अर्थव्यवस्था से। अब भैया नोटबंदी की वजह से अगर हम लोग देखें तो 0.5% पैसा मान के चलो नहीं आ पाया, मतलब आरबीआई ने अगर 100 रुपए इशू किए थे तो 100 रुपए का 0.5% मान के चलो 5 पैसा होता है, तो 5 पैसा नहीं मिला, बाकी 99.9% जो है मिल चुके हैं। अब ये 5% मेरे प्यारे दोस्तों, भैया आप एक बात बताइए, आरबीआई को जो है पैसा 0.5% मान के चलो अप्रोक्स पैसा, इससे भी कम था ये आरबीआई को नहीं मिल पाया, ये अप्रोक्स है, इससे ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप लोग देखना, ये नहीं मिल पाया। अब अगर ये नहीं मिल पाया, इसका मतलब ये हुआ, बहुत हंसना, अगर ये पैसा नहीं मिल पाया तो ये मेरे प्यारे दोस्तों ये वो पैसा है, ये वो पैसा है, बहुत ध्यान सुना ये मित्रों, वो ये पैसा, वो ये मतलब ये वो पैसा है जो हमारे आपके घरों में पैसा, जो कभी किसी के पास 500 पड़ा हुआ था, हमने सोचा यार 500 रुपए के लिए कौन इतनी लंबी लाइन लगाएगा, 1000 रुपए पड़ा हुआ कौन इतनी लंबी लाइन लगाएगा, कौन दिन दिन भर जाएगा, टाइम वेस्ट करेगा, जिसको मतलब जिसके घर में पैसा पड़ा था मगर वो भूल गया था पैसा रख के, समझ में आई बात। तो ये वो पैसा है जो मतलब पैसा निकाल ही नहीं पाए, मतलब 1500 हमारे आपके पास पड़ा था, हम लोग लंबी लाइन की कतार देख के नहीं, मतलब डर के मारे ना सोचा कि कौन जाएगा,
तो ये वो पैसा है 0.5% जो इकोनॉमी में रह गया। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या 0.5% आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे, क्या 0.5% वो पैसा है जो नदियों में तालाबों में बहा दिए गए, ठीक है, नदियों और तालाबों में जो है बहा दिए गए, क्या 0.5% वो पैसा है जो ट्रकों में मिला गया, ट्रकों में मिला है, क्या 0.5% वो पैसा है जो गाड़ियों में बिल्कुल नोटों का बंडल मिला है, क्या 0.5% वो है जो बैंकों के ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों में रातों रात नोट बदल दिए, मतलब उन्होंने कन्वर्ट कर दिए, क्या एक वो पैसा जिन्होंने काफी ज्यादा पुलिस ने मतलब बहुत ज्यादा हेल्प की हेराफेरी में। तो मेरे भाई, अगर हम लोग बात करें क्या 0.5% वो पैसा है जो, अगर हम लोग बात करें ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री जो लोगों देखा होगा दूसरे के अकाउंट में है ना, मतलब क्या कि दूसरे कस्टमर के अकाउंट में हमारे पास पैसा आ रहा है भाई, दूसरे के अकाउंट के पता चला 10 करोड़ रुपए लोगों के आ रहा है, तो अब क्या वो ये 0.5% क्या वो पैसा है? आप बताओ मुझे क्या 0.5% वो ये पैसा है क्या? नहीं, यही पैसा जो है हमारे भारत देश में गलत तरीके से सर्कुलेट हो रहा था। बोलो जल्दी से फास्ट। तो इन्हीं पैसों को, चूंकि ये पैसा बहुत गलत तरीके से सर्कुलेट होता तो इन्हीं पैसे को खत्म करने के लिए हमारे पास क्या हुआ, बोलो, कि हमारे पास नोटबंदी आई। बोलो जल्दी से फास्ट, बात आ रही है समझ में? बट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो ये 0.5% या जो भी इसका जो डेटा रहा होगा, आप लोग एक बार देख लेना, ये वो डेटा है, ये वो मतलब ये वो परसेंटेज है जो हमारे आपके पास या ऐसे दीन दुखी या गरीब लोगों के पास जो बच गए, रह गए, हम लंबी कतार देख के, लाइन देख के, या हम भूल गए कि हमने पैसा रखा भी था, कहां रखा था नहीं पता, तो वो ये पैसा था, ठीक है, ना कि वो ये पैसा था, समझ में आई बात? तो इस वजह से नोटबंदी आनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, ठीक है। तो इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स का जो परसेंटेज है थोड़ा सा ज्यादा है मेरिट्स के कंपैरिजन में, मगर हाँ एडवांटेज भी है अपने आप में, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। तो चूंकि हमारे पास क्वेश्चन आया था तो मैंने डिमोनेटाइजेशन क्यों आया था ये मैंने आपको बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी मेरे भाई बंधुओं का। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, फिर जुड़े, बाय बाय, शिवम, टेक केयर, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया एंड जय हिंद।